नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। मैदागिन स्थित गोलघर पराडकर भवन में गद्दे सभागार में पूर्वांचल गुप्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष उदय कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बताया कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जन समस्याओं के निराकरण विषय में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। इस प्रोग्राम का जो विवरण हम दे रहे हैं वो नागरिक ये सायंकाल 3 बजे मंगलवार का दिन है। राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि हमारे बनारस के यूं कहिए पूर्वांचल के उद्योगपति माननीय श्री आर के चौधरी साहब हैं और कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित हमारे उपभोक्ता फोरम के जज श्री कृष्ण कुमार सिंह जी हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं गुरु जी और जो राज्य मंत्री का दर्जा है और विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश शासन में मनोनीत है। हाँ सर, अपना परिचय बता दें। मैं उदय कुमार श्रीवास्तव पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का सदस्यता सदस्य हूँ। मैं सर आज यहाँ पे किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? ये 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जागो ग्राहक जागो प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत पराड़कर स्मृति भवन में 24 दिसंबर मंगलवार के दिन है सायंकाल 3 बजे से 6 बजे तक का आयोजन किया गया है। किस तरह का ये प्रोग्राम? ये जागरूकता उपभोक्ताओं की आम जागरूकता जन जागरण प्रोग्राम के तहत किया गया है और जितने भी जो है उत्पीड़ित हैं उपभोक्ता उनके जन समस्याओं के निराकरण हेतु उसी विषय के आम अधिकारी आकर उस कार्यक्रम के तहत भाग लेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण। मुख्य अतिथि इसमें कौन कौन से आ रहे हैं आपके? हमारे मुख्य अतिथि बनारस के उद्योगपति जो है इंडियन स्टील्स के उपाध्यक्ष और प्रभारी श्री आर के चौधरी साहब हैं और सहायक उनके जो है उपाध्यक्ष हैं श्री प्रेम मिश्रा जी। दीप प्रज्वलित जो है हमारे जज साहब श्री कृष्ण कुमार सिंह उपभोक्ता संरक्षण एवं जो है श्री दयालु जी जो विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और राज्य मंत्री का दर्जा है और आरएफसी साहब डीएसओ साहब बात माप के जो है उप नियंत्रक जो है अशोक कुमार चौरसिया जी और तमाम अधिकारी व बंधु ये प्रोग्राम में शामिल होता है। क्या ये जैसे हमारे यहाँ कोई पीड़ित आया और हमारे कार्यालय में या मेरे टेलीफोन नंबर पर हमसे संपर्क किया, अगर वो वाकई में पीड़ित है उसके साथ ठगी हो रहा है जबरदस्ती कोई चीज लादा जा रहा है या ये कह रहा है कि अब हम जो है नहीं सामान बदलेंगे या नहीं हम कुछ काम करेंगे आपको जो मन करे सो करिए, तो उसके लिए उपभोक्ता न्यायालय बना हुआ है जो 14 दिन के अंदर
जो है शासनादेश है कि इनके उत्पीड़ित के जो है खिलाफ जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर थोड़ी बहुत देर होती है, जैसे जज साहब बदल जाते हैं या जज साहब को दो तीन और भी जिलों का चार्ज होता है, तो उसके लिए वो जो है 2 महीना 3 महीना भी लग सकता है, मगर न्याय त्वरित मिलने का जो है ये आशा लेके उत्पीड़न के बर्दाश्त न करने वाले को ये खिलाफ चेतावनी है, जो कि किसी भी उपभोक्ता के साथ किसी भी प्रकार का ठगी न करे उनको। और मैं उपभोक्ताओं से भी अपील करता हूं आपके माध्यम से कि टैक्स के बचाने के लिए अपना जो है रसीद लेना न भूलें, यही आपका मेन हथियार है जिससे कि हम लड़ेंगे और उपभोक्ता न्यायालय में जज लड़ेंगे। कितने सालों से ये प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं आप? ये माँ दुर्गे की कृपा 28 वर्षों से लगातार यह आयोजन होता चला आ रहा है और उसमें हम बहुत कामयाब हैं कि जन जन तक यह बात है कि आम उपभोक्ताओं के निराकरण के लिए पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति यह काम कर रही है। अभी तक कितने लोगों को आपने न्याय दिला चुके हैं? अभी ये तो गिनती नहीं है, न आंकड़ा है, और ये भी ऊपर वाले की दया है, कम से कम सैकड़ों लोग तो है ही, क्या समझे। अच्छा, आपके ये सम्मेलन में सिर्फ बनारस के ही लोग रहेंगे कि बाहर से लोग भी आएंगे? नहीं, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर के लोग भी आएंगे, क्या समझे। बलिया से है जो है प्रमोद सिंह, ऐसे ही जिलों से भी आएंगे जो है। ये सम्मेलन नहीं है, ये जन समस्याओं के निराकरण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सेमिनार है। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है, जो क्या कहते हैं, जिसमें हम जो है यहाँ से मैदागिन से